क्या आप मनी को मैनिफेस्ट करने यानी कि धन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी नियमित आय बढ़ाने के लिए, अगर आप हमारे द्वारा इस वीडियो में बताई गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स और स्टेप्स का पालन प्रतिदिन करते हैं तो ऐसा करने से धन आपकी तरफ आसानी से आकर्षित होगा और इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिप्स से आपको वह धन मिलेगा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और ये कैसे हो सकता है, आइए अब हम आपको सचमुच बताते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप यूनिवर्स को स्पष्ट संदेश भेजें। उदाहरण के लिए आप किसी दुकान या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप जब तक स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए तब तक आपका ऑर्डर नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप जो भी अपने लिए चाहते हैं क्रिएटर आपको बिना मांगे नहीं दे सकता है, इसके लिए आपको स्पेसिफाई करना ही होगा, तभी यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उसी प्रकार से आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना धन चाहते हैं और किस उद्देश्य के लिए आप धन चाहते हैं इसके बारे में पूरी तरह से आपको यूनिवर्स को स्पष्ट करना ही होगा। परंतु आपको यह सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं है कि धन कहां से आएगा और कैसे आएगा। आपको तो उस धन को रखने के लिए अपने पास सिर्फ एक जगह बनानी होगी, और जब आपके पास उचित जगह बन जाएगी तो कायनात उस जगह को धन से भर देगी। दोस्तों, अगर आपके इरादे स्पष्ट हैं और आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप किसी भी चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और उसमें मनी मैनिफेस्टेशन यानी धन को अट्रैक्ट करना भी शामिल है। हमेशा खुद के और दूसरों के बारे में सोचें कि आप पहले से ही धनी हैं, और आप जब किसी धनी व्यक्ति को देखें तो ईर्ष्या के बजाय खुश हो जाएं। आपकी वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति जो भी हो, यानी कि सोशो इकोनॉमिक लेवल या पोजीशन जो भी हो, आप खुद को अमीर व्यक्ति के रूप में ही देखें। आपको यह सोचना है कि आप बहुत अमीर हैं और आपके पास खुशियों का भंडार है। इसके विपरीत यदि आप हमेशा धन की कमी और गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे या दूसरों को गिनवाते रहेंगे तो इससे आपके और अधिक गरीब होने की संभावना ही रहेगी। ब्रह्मांड किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या फिर नहीं शब्द को नहीं समझता है। आप जैसा सोचते रहते हैं या निरंतर विजुलाइज करते हैं, कायनात वही आपको लाकर दे देती है। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप हमेशा ये कहते रहते हैं मैं गरीब नहीं बनना चाहता हूं तो यूनिवर्स को लगेगा कि आप गरीब ही रहना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो भी सोचते हैं वही आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर आप हमेशा गरीबी का रोना रोएंगे तो इससे गरीबी ही आपकी तरफ आकर्षित होगी। इसलिए आपको हमेशा समृद्धि और खुशियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा खेल वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज का ही है। दोस्तों, सही वाइब्रेशंस को उत्पन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है फीलिंग्स। इसलिए अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स लाइए जिससे आप अमीरी महसूस करें। आप महसूस करें कि आपके पास खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। यहां तक कि अगर आपके पास कम धन भी है तो आप कल्पना करें और ये महसूस करें कि धन आ रहा है या आपको बहुत सारा धन मिल रहा है। आपके पास पहले से ही जो धन मौजूद है उसका आनंद लें, जश्न करें और उसके लिए यूनिवर्स का आभार भी प्रकट करें। आभार का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या यह इतना आसान है? तो हमारा जवाब है जी हां, यह बिल्कुल आसान है। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं और अबंडेंस की फीलिंग लाते हैं तो अचानक से धन मिलने में आ रही रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती हैं और धन आपके पास आना शुरू हो जाता है।
इसे कहते हैं मनी ब्लॉक्स का हटाना। मनी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को और अधिक कारगर करने के लिए यहां पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स साझा करना चाहूंगा। पहला, आपको खुद में विश्वास लाना चाहिए कि आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह धन, अमीरी और अबंडेंस को लेकर आ रहा है। दूसरा, आप नियमित रूप से पावरफुल मनी अफर्मेशंस करें। तीसरा, आपके पास पहले से जो भी है उसके लिए हमेशा यूनिवर्स के आभारी रहें। दोस्तों, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और कुछ आर्टिकल्स के लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और इन वीडियोस और आर्टिकल के स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही सब्सक्रिप्शन वाले निशान को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को क्लिक करके आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाते रहें। आपने ये वीडियो इतने ध्यान से अंत तक देखा, अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।